जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है, उसकी सोच हमेशा ऐसी होती है कि मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले और मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले। इस एक अच्छी मानवता भरी सोच के साथ बाल साधना परिवार की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में मैं नरेश जांगिड आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पीछे के वीडियोज में अपन ने जो पढ़ा था वो हेलो एरिन के निर्माण की विधियाँ पढ़ी थी। हेलो एरिन के निर्माण की विधियों को एक बार पुनः रिपीट करने से पूर्व है आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, इस चैप्टर में आपको पीछे की वीडियोज में बताया था, महत्वपूर्ण बात है तो पुनः आपको बताई जा रही है। 10 के चैप्टर में हेलोजन डेरिवेटिव जो कंपाउंड हैं उसमें इस चैप्टर से इस तरह के निम्न 7 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। अभिक्रिया की क्रिया विधि, अभिक्रिया पूर्ण करने से संबंधित क्रियाकारक लिखे हुए मिलेंगे आपको, उत्पाद उनमें से आपको देखना होगा उत्पाद क्या बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन की एक्सरसाइज मैंने बहुत से क्वेश्चन की एक्सरसाइज आपसे करवाई है, बोर्ड में पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उनकी भी आपको एक्सरसाइज करवाइए बेटा। उसके बाद में नेम रिएक्शन, जैसे अभी 2020 में आया है वुड्स अभिक्रिया, तो नेम रिएक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से आते हैं। फिर नामांकित चित्र या कक्षक आरेख, इससे संबंधित क्वेश्चन वो इस चैप्टर से आता है बोर्ड में। फिर क्रियाशीलता का क्रम आता है, बढ़ता हुआ या घटता हुआ। फिर कंपैरिजन वाला कि जैसे एशन 1 एशन 2 में अंतर लिखिए, तो कोई तुलनात्मक प्रश्न आता है। और ऐसे ही IUPAC नामकरण से संबंधित क्वेश्चन है वो बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो मैंने इन बातों को पुनः एक बार रिपीट कर दिया है, आप इस चैप्टर को जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे इन के बारे में आपको खास तौर से विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। अब आज के वीडियो में अपन जो पढ़ रहे हैं वो शुरू करते हैं। इससे पहले पीछे के वीडियो में अपन ने हेलो एरिन के निर्माण की विधियां पढ़ी थी, आप सभी बच्चे रेगुलर वीडियोस देखिए। पीछे आपका टेस्ट लिया था ऑब्जेक्टिव पेपर 20 मार्क्स का, बहुत ही कम बच्चों ने अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में राइट किया। तो बेटा ईमानदारी से अपना काम करो और ईमानदारी से जैसे जैसे आपको गाइड किया जाता है ईमानदारी से वैसे वैसे काम कीजिए, आपके आने वाले समय में पेपर्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आप रेगुलर वीडियो देखेंगे, जब भी देखें वीडियोस लाइक करेंगे। चलिए समय वेस्ट न करते हुए पिछले वीडियो में अपन ने हेलो एरिन की निर्माण की विधियां पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले पढ़ी थी हेलोजनीकरण द्वारा। सबसे पहला हेलोजनीकरण के 2 पार्ट में अपन ने पढ़ा था, बेंजीन वले का हेलोजनीकरण हेलोजन वाहक की उपस्थिति में करवाया, क्लोरो ब्रोमो आयोडो बेंजीन को अपन ने बनाया। दूसरा पार्श्व में स्थित कार्बन श्रृंखला का हेलोजनीकरण करवाया, उससे अपने को एरल्किल हैलाइड अपने को प्राप्त हुए। उसके बाद में अपन ने दूसरी जो रिएक्शन पढ़ी थी वो थी सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर जो अभिक्रिया थी उसमें आपने पढ़ा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, अपन क्यूप्रस लवण की प्रेजेंस में HCl व HBr से करवाते हैं तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनता है। आपको ये भी बताया आयोडोबेंजीन बनाने के लिए उसमें पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया नेम रिएक्शन की बात अभी मैंने बताई इसी वीडियोज में कि नेम रिएक्शन की इस क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसके साथ अपन ने डाइएजोटिकरण पढ़ा था पिछली पीरियड में, पिछली ऑनलाइन क्लासेज में, कि एनिलिन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड व HCl के साथ 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर करवाते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, डाइएजोटिकरण कहलाती है। सैंडमेयर अभिक्रिया में क्यूप्रस लवण की जगह कॉपर सुरण को काम में ले ले तो बेटा उसमें जो प्रोडक्ट बनता है सेम क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, केवल कंडीशन चेंज की है और इस अभिक्रिया को नाम दिया गाटरमान अभिक्रिया। बेटा जब आप भी इसी तरह से जब भी आप नया पढ़े तो पुराना जो है उसको रिवाइज करना जरूरी होता है,
जैसा मैं रेगुलरली आपकी ऑनलाइन क्लासेस में देख रहे हो, 2-3 मिनट में आपका सारा पुराना जो पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है उसको मैं रिवाइज करता हूँ। उसके बाद मैं अपने बड़ा राशन प्रक्रम द्वारा जिसमें बेंजीन की क्रिया, HCl गैस और वायुमंडलीय O2 द्वारा उच्च दाब पर कॉपर एफिश क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। और 4 नंबर रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने हुंसडीकर अभिक्रिया, जिसमें एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 में ब्रोमीन से करवाई तो कम कार्बन वाला हेलो एरिन ब्रोमोबेंजीन अपने को प्राप्त होता है। ये अपन ने पढ़ा था। और उसके बाद अपन ने हेलो एरिन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिसमें 4 प्रकार की विधियाँ होती हैं। उनमें सबसे पहला जो शुरू करते हैं आपका बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SE अभिक्रिया। आज के वीडियो में अपन ये शुरू करते हैं SE अभिक्रिया। देखिए बेटा, जो हेलो एरिन होते हैं उनमें हेलोजन परमाणु बेंजीन वले से बेंजीन वले के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा रहता है, जैसे आपको पीछे की वीडियोज में पढ़ा दिया गया। इनमें हेलोजन परमाणु पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन वले के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन दर्शाते हैं, संयुग्मन अर्थात अनुनाद प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे यहाँ अपन हेलो बेंजीन की अनुनादी संरचना बनाई तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन वले की तरफ डीलोकलाइज्ड होता है, तो ऐसा होने से कार्बन हेलोजन जो बंध है उसमें आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। और यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में इन्वॉल्व होता है, इट मीन्स इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसको किससे डिनोटेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा डिनोटेट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए इस कार्बन पर पाई बॉन्ड के, तो इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज और ये पाई इलेक्ट्रॉन के पहले से इस रिंग में प्रेजेंट है। अगली अनुनादी संरचना बनाएंगे तो इस तरह से होगा, ये इलेक्ट्रॉन इन 2 कार्बन के बीच में आएगा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे। इससे ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड पहले से यहाँ प्रेजेंट है। आगे की तरफ बढ़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज वैसे ही आगे की तरफ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अगली बार ये यहाँ आएगा और पॉजिटिव चार्ज कार्बन हेलोजन के बीच के पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे पुनः स्ट्रक्चर बनेगी, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और कार्बन हेलोजन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से अपन देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होते हैं और हेलोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बेंजीन वले के साथ संयुग्मन दर्शाते हैं। अब यहां देखिए बेटा, हेलोजन परमाणु के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन वले की तरफ संयुग्मन करते हैं तो बेंजीन वले की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही जब हेलो बेंजीन पर अटैक करता है, जुड़ता है, तो बेंजीन वले की किस किन स्थितियों पर अटैच करेगा, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर अटैक करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी अपन इसके एग्जांपल लेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के, तो आप देखेंगे ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा जुड़ने वाला, वो अटैच होगा। नाउ नेक्स्ट, हेलोजन एटम जो होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करने का मीन ये हुआ, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाई बेंजीन वले में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो बेंजीन वले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है इसी कारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेंजीन SE अभिक्रियाओं के प्रति
ज्यादा क्रियाशील होता है और हेलोबेंडिन ऐसी अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के पेपर के लिए इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे बेटा। आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, वोकैबुलरी अल्फाबेट्स सब्जेक्ट के आपको प्रॉपर आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप रेगुलर वीडियोस को नहीं देखते, किसी एक वीडियो को कि बीच में दो छोड़ दिए, फिर तीसरी वीडियोस को देख लिया, फिर तीन छोड़ दिए, फिर आप एक वीडियोस को देख लेते हैं, तो आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं आएगी, आप प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको रेगुलरली ये कहा जा रहा है कि सारे वीडियोस को देखें, वीडियो जब भी देखें आप लाइक करें। तो बेंजीन की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति हेलोबेंजीन से अधिक होती है, क्योंकि हेलोबेंजीन में हेलोजन एटम माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो बेंजीन विलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। इन दोनों की तरफ यदि अपन एक एंटरटेनिक मेथड में देखना चाहें, तो दोनों की तरफ इलेक्ट्रॉन श्रेणी को यूं फेंकें तो वो किसकी तरफ पहले जाएगा? बेंजीन की तरफ। इट मीन्स बेंजीन इज मोर रिएक्टिव towards electrophilic substitution than halobenzene। इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बेंजीन की क्रियाशीलता हेलोबेंजीन से अधिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को पुनः रिपीट कर दूं। अभी अपन एग्जांपल लेंगे बेटा कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स ने आक्रमण करेगा हेलोबेंजीन पर, तो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर अटैक करेगा। रीजन आपके सामने बिल्कुल क्लियर, और आपको 11th क्लास के चैप्टर 13 के अंदर 13 में निर्देशिकारी प्रभाव जो है उसके अंदर भी आपको ये पढ़ाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखिए बेटा, अब अपन उदाहरण लेते हैं। आपके सिलेबस में दी गई है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जो है इसकी प्रमुख इलेक्ट्रॉन श्रेणी अभिक्रिया कौन कौन सी है? सबसे पहली प्रकार लेते हैं अपन हैलोजनिक। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए मेथिल बेंजीन से बेंजिल क्लोराइड प्राप्त करने के लिए हैलोजनीकरण की प्रक्रिया किन परिस्थितियों में करवाई जाती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए पॉइंट पे आते हैं। क्लोरोबेंजीन की प्रमुख इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? हैलोजनीकरण। वेरी सिंपल, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसका हैलोजनीकरण जैसे अपन क्लोरीनीकरण करवाए बेटा, और यहाँ क्लोरीनीकरण जो करवाते हैं वो निर्जल एफिशियल थ्री इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, तो यहां से जो क्लोरोनियम आयन बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरोनियम आयन वो कहाँ टेक करेगा? ऑब्वियसली ऑर्थो पैरा पोजिशन पर टेक करेगा। आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ाएगी। तो कॉन्सेप्ट आने के बाद में इन इक्वेशन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आती है तो आप वहां तुक्का लगाएंगे और टीचर्स पर ब्लेम करेंगे, वो बिल्कुल भी राइट नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पढ़ें जिससे आपको प्रॉब्लम्स को सोल्व करना इजी वे में आने आए। तो देखिए आप ऑर्थो पोजिशन पर टेक करेगा, ऑर्थो पोजिशन पर क्लोरीन क्लोरोनियम आयन इस पर अटैच हो गया और यहाँ की हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसे ही पैरा पोजिशन की हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा और प्रोडक्ट ऑर्थो डाई क्लोरो और पैरा डाई क्लोरो बेंजीन अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो मैं पुनः आपको रिपीट कर दूं कि जो हेलो एलिन होते हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को कहाँ शो करते हैं? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर शो करते हैं, जहाँ जैसे यहाँ ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन अपने को प्राप्त हुआ। तो बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट वो भी सिंपल, इसी रूल एंड रेगुलेशन से रिएक्शन वो बेटा कंप्लीट होगी। दूसरी जो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया सल्फोनीकरण, नाम से स्पष्ट है इस अभिक्रिया में हेलोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन में बेंजीन विलय के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन सल्फोनिल जो अम्ल होता है, सल्फोनिक अम्ल जो होता है ना, उस समूह के द्वारा होगा। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम दिया गया सल्फोनीकरण। शुरू करते हैं बेटा।
ये आपका क्लोरोवेनिन है, इसकी रिएक्शन अपन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ करवाएंगे, सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इससे SO3H ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और ये वैसे ही ऑर्थो और पैरा पोजिशन के जो हाइड्रोजन है इनको प्रतिस्थापित कर देगा और इसे देखिए बेटा प्रोडक्ट जो बनेगा ये आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे और तो पहला पोजीशन के जो हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस कर दिया SO3H समूह ने और इसे बना 2-chloro। देखो नंबरिंग देश में प्रायोरिटी इंडेक्स में देखा आपने 1 और 2 और यहाँ से 1, 2, 3, 4 क्लोरीन जो है प्रतिस्थापी का बिहेव शो करेगा तो नेमिंग क्या होगा इसका 2-chlorobenzene सल्फोनिक अम्ल और इसका 4-chlorobenzene सल्फोनिक अम्ल ये अपने को प्राप्त होगा। अब देखिए आप इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हैं तो पहले रिएक्शन के प्रोडक्ट को और ये सल्फोनिकन की जो रिएक्शन है इसके प्रोडक्ट को आप इजी वे में कर सकते हैं बेटा। तो आप इस बात को समझिए, ये आपकी आवश्यकता है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रीकरण। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल NO2+ 11th क्लास में पढ़ा गया, ये जो NO2+ समूह होगा ये हेलोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और अपने को ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापित प्रोडक्ट है वो प्राप्त होंगे। अब आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था नाइट्रीकरण की प्रक्रिया, नाइट्रीकरण मिश्रण या नाइट्रीकारक जो मिश्रण है इसकी प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। नाइट्रीकारक मिश्रण कौन सा होता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3। इसमें ये प्रोटॉन डोनेट करता है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और इन दोनों की क्रियाविधि आपके सिलेबस में नहीं दी गई है, 11th क्लास में आपको पढ़ाई गई है। इन दोनों की रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2+ और वो टेक करता है बेंजीन वाले पर। देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन है और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3, सॉरी यहां राइट कर देंगे अपन कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिश्रण जिसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। और अपने को यहाँ प्रोडक्ट इसका नेमिंग करें 1, 2, 1, 2, 3 और 4। ये प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 1-chloro, 2-nitrobenzene और ये हो जाएगा 1-chloro, 4-nitrobenzene। तो वेरी सिंपल, अपन इनको इजी वे में याद कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ अपन ने 3 एग्जांपल पढ़े, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, तीनों ही रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो उत्पाद बनाती है ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापित उत्पाद वो बनाती है। सो सिंपल। नाउ नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन, फ्रिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, FCR। दो प्रकार की होती है, पहला जो प्रकार हुआ एल्किलीकरण, आपको पढ़ा दिया गया इसी चैप्टर में पीछे की वीडियोज में, आप देखिए एल्किलीकरण, एल्काइलेशन। देखिए बेटा आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया, पीछे की वीडियो में बताया फ्रिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन लुईस अम्ल जैसे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कंप्लीट होती है। एल्किलीकरण में क्या होगा, बेंजीन वाले के ऑर्थो व पैरा स्थिति के हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, अतः अभिक्रिया क्या कहलाएगी, फ्रिडल क्रॉफ्ट एल्किलीकरण। उदाहरण लेते हैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैथिल क्लोराइड से करवाते हैं लुईस अम्ल जैसे निर्जल AlCl3। तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा और ऐसे ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा और इसके क्लीवेज होने से बेटा ऑर्थो स्थिति पर एल्किल समूह या मैथिल आ गया, ये मैथिल क्लोराइड है, यू नो दैट,
और यहाँ भी पैरा स्थिति की जो हाइड्रोजन है उसको भी प्रतिस्थापित किसने कर दिया, मैथिल समूह द्वारा, एल्किल समूह द्वारा कर दिया, फ्रिडल क्रॉफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। इसका नेम क्या हुआ, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, और इसका नेम क्या हुआ, पैरा क्लोरोटोलुइन, इनके नाम में। नाउ नेक्स्ट, दूसरी जो फ्रिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन का टाइप है आपका एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन में बेंजीन वाले के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन वो एसिटिल समूह द्वारा होगा। परिस्थितियां सेम होंगी निर्जल AlCl3 की, क्योंकि ये फ्रिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन का दूसरा टाइप है, तो अपने को ऑर्थो पैरा प्रतिस्थापी प्रोडक्ट है वो प्राप्त होंगे। तो देखिए बेटा यहाँ ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड से। क्या नेम है इसका, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। आयुपैक नेम क्या होगा, एथेनॉयल क्लोराइड। वही निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये जो एसिटिल ग्रुप होगा ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, और इस तरह से इसके अटैच होने से ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद बनते हैं। इसका नेम 2-chloro-1-2 कार्बन कंटेंट फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी इंडेक्स में पहले आएगा, तो 2-chloro-acetophenone और 4-chloro-1-2-3-4 4-chloro-acetophenone। बेटा याद रखोगे मैं क्लोरीन को यहां से इरेज कर दूं, जब बेंजीन रिंग पर CH3CO समूह जुड़ जाए, CO कार्बोनिल दोनों तरफ कार्बन अटैच है, कार्बोनिल समूह से कीटोन है, ये मिश्रित कीटोन है, आपको 12th के अंदर 12 के चैप्टर पढ़ाएंगे, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस कंपाउंड को जब क्लोरीन नहीं हो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, मिश्रित कीटोन है। अब ये प्रेजेंट है प्रतिस्थापी तो पोजीशन के साथ 2-chloro-acetophenone और 4-chloro-acetophenone। कुछ चीजों को आपको अच्छे से याद करना होगा, बहुत ही ईजी वे में याद करना। तो आप यहां भी देख लीजिए ये जो रिएक्शन है कंप्लीट, चारों रिएक्शन हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और एच फ्रिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, चारों ही रिएक्शन में ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद अपने को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल इजी है, ध्यानपूर्वक आप वीडियोज को एक बार दो बार देखते हैं, PDF फाइल में जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं नोटबुक में रेगुलर आप नोट करें, क्योंकि इससे आपकी तैयारी है वो प्रॉपर होगी, प्रॉब्लम्स को आप आगे आपसे करवाएंगे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने के बाद, तो आप उनको बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अपने टाइम का बिल्कुल सही यूज करें, आपको अच्छे अच्छे जो विचार हैं वो आपको वीडियोज में इसीलिए आपको मोटिवेट करने के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं बेटा, तो आप आई होप आप उनको फॉलो करेंगे। इसके बाद में अपन बी टाइप की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, आपकी रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। इस समय देखो हो सकता है किसी पेरेंट को ये ऑनलाइन क्लास वगैरह बच्चों को उपलब्ध करवाने में दिक्कत आ रही हो, बट रेगुलर बच्चे इनको देखना अनिवार्य होगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस समय जो एक विपरीत परिस्थिति आ रही है पूरे विश्व के लिए, समाज के लिए, इसमें सभी को इस कंडीशन से, इस बुरी स्थिति से निकलने की सभी कोशिश कर रहे हैं, तो किसी गार्जियंस को इसको लेकर यदि दिक्कत आ रही है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन रेगुलर बच्चों को ये आप उनको इसके लिए ये जो मैटर है उनको प्रोवाइड करवाएं, जिसे आने वाले समय में प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करें, दिक्कत नहीं है और बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, ऐसा ही प्रयास हम कर रहे हैं। रेगुलर वीडियोज को पुराने वीडियोज में जो भी दिक्कतें वगैरह थी उनको इम्प्रूवमेंट करके आप बच्चों को उपलब्ध करवाए जाते हैं, जैसा आप भी इन चीज़ों को देख रहे हैं बेटा। चलिए बेटा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं धातुओं के साथ रिएक्शन, और इसमें सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। देखिए बेटा मैग्नीशियम धातु के साथ जो रिएक्शन होती है हेलो एल्केन की, सॉरी हेलो एरिन की, तो यहां
मैग्नीशियम धातु के साथ आपने पीछे पढ़ा था हेलो एल्केन में मैग्नीशियम धातु की रिएक्शन शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ग्रिन्यार अभिकर्मक बनते हैं। यहाँ भी आपके ग्रिन्यार अभिकर्मक बनेंगे, बस फर्क इतना ही है यहाँ एरिल समूह है और पीछे अपन ने पढ़ा वहां एल्किल समूह था। तो देखिए ये क्लोरोबेंडीन है, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ करवाते टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसकी प्रेजेंस में करवाते तो बेटा यहाँ फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड अपने को प्राप्त होता है। केमिकल नेम क्या जाएगा बेटा, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है जिसको क्या बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। यही विक्रिया ब्रोमोबेंजीन व आयोडोबेंजीन के साथ करवाई जाए तो शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो बिल्कुल सिमिलर है, पीछे के वीडियो में पढ़ने पड़ा हेलो एल्केन में जैसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनते मैग्नीशियम के साथ क्रिया करवाने पर, वैसे ही हेलो एरिन भी मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। आई होप बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, रेगुलर वीडियोस को देखें, जब भी वीडियो देखें वीडियोस को लाइक करें, इससे हमें भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक मोटिवेशन मिले, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और कमेंट बॉक्स में पीछे आपको पेपर करवाया जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं पेपर्स लिए जाते हैं तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए हुए कमेंट बॉक्स में आप उनको राइट करिए, उनके आंसर दें। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ कल सुबह अपन 9:30 बजे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।